वेलकम टू डिफेंस क्लासेस दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना हम सेकेंड नंबर का टॉपिक यानी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इंग्लिश का सेकेंड नंबर का टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है आज से, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट चैप्टर का नेम है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो चैप्टर होगा आपका दो पार्ट में होगा। ठीक है, थोड़ा क्लास आपकी लंबी होगी लेकिन दो पार्ट में होगा, और अगर आप इसको अच्छे से पूरा देख लेते हैं पूरा वीडियो को और अच्छे से रूल को लिख लेते हैं, आप प्रिपेयर कर लेते हो, तो आगे जो प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा मैं, चार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, जो कि आपके एनडीए के एग्ज़ाम के पर्पज़ से और आपके कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से या अन्य आप भी जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें इंग्लिश आएगी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी हेल्प करेगा। इसको आप करने के बाद अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे आता है, किस तरह होता है, क्या करना होता है हमको। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये पहला एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, ही हैज़ कम यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे दिया है यस्टरडे, और इसके प्लेस पे जहाँ यस्टरडे दिया हुआ है वहाँ पे हमारा लास्ट नाइट भी आ सकता है, लास्ट मंथ भी आ सकता है, और लास्ट ईयर भी आ सकता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे तो हमारे सेंटेंस में दिया हुआ यस्टरडे है, लेकिन किसी अन्य सेंटेंस में या जब हमसे कोई सेंटेंस और पूछा जाएगा तो उसमें हमारा यस्टरडे या लास्ट नाइट या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर वो भी आ सकता है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं हमारा एरर क्या है या हम क्या सेंटेंस में, यहाँ पे देखो हमारा दिया हुआ है ही हैड कम यस्टरडे। ठीक, अब इसमें देखो एरर क्या है। तो अब हमको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कम सॉरी केम, हैड कम, बिल कम, नो इम्प्रूवमेंट। और आपको बता दें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक पार्ट आपका दिया होता है नो इम्प्रूवमेंट, कि इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, यानी ये ठीक है सेंटेंस। तो आप देखिए इसमें ये हैड कम, हैड कम कहाँ पे लाता है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, और अब बिल कम की बात करें तो हमारा फ्यूचर का हो गया। और आपको बता दें जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो पास्ट में होता है। ठीक है, वो पास्ट में होता है। तो अब अच्छा, पास्ट को दिखाता कौन है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट को दिखाता कौन है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर ओनली कहीं पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है तो हमारा पास्ट को दिखाता, जैसे केम, केम हमारा क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हमने देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, यानी कि हमारा सेंटेंस पास्ट में है। तो यहाँ पे हमारा जो ये दिया हुआ हैड कम के प्लेस पे हमारा ओनली केम हो जाए, ही केम यस्टरडे, मतलब वो कल आएगा, पास्ट की बात हो रही ना, तो हमारा केम का यूज होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक हमने एग्जांपल लिया। आइए हम पहले इसके इम्पॉर्टेंट रूल की, जो इसके इम्पॉर्टेंट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, जिसको पढ़ के हम अपने एग्जांपल को, अपने प्रैक्टिस सेट को और एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए पास्ट कंडीशनल के जो इम्पॉर्टेंट रूल है पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात हमारा आता है कि जब कंडीशनल सेंटेंस होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, जब भी कंडीशनल सेंटेंस या पास्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात होगी तो क्या क्या चीज़ें निकल के आएंगी। नंबर एक, एक पास्ट में होता है। ठीक है, क्या होगा हमारा कि जो हमारा सेंटेंस होगा, ठीक है, वो एक पार्ट जो है हमारा पास्ट में होगा। ठीक है, एक पार्ट हमारा जो है पास्ट में होगा। जैसे देखो दिया हुआ हैड प्लस V3, यानी जो हमारा सेंटेंस होगा वो पास्ट में होगा और उसके साथ एक पार्ट में, किसी एक पार्ट में हेड प्लस V3 लगा होगा। ठीक है, किसी भी एक पार्ट में हेड प्लस V3 लगा होगा, और दूसरे पार्ट में अगर हम दूसरे पार्ट को देखेंगे, दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3 होगा, यानी दूसरे जो पार्ट होगा उस सेंटेंस का उसमें क्या होगा, वुड हैव प्लस V3 लगा होगा। ठीक है, पहले पार्ट में हमारा हेड प्लस V3 लगा होगा और दूसरे पार्ट में हमारा वुड हैव प्लस V3 लगा होगा। और तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, हेड प्लस V3 इफ वाले पार्ट में लगा होगा, यानी जो हेड प्लस V3 होगा हमारा, ठीक है, हेड प्लस V3 होगा वो हमारा जो इफ वाला पार्ट होगा उसमें लगा होगा। ठीक है, अगर इफ नहीं दिया है तो सेंटेंस में हेड से शुरू से होगा। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में आपका मान लीजिए इफ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इफ नहीं दिया हुआ तो वो सेंटेंस हमारा हेड से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो सेंटेंस हमारा हेड से स्टार्ट होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे आपको हमने बता दिया, यानी पास्ट कंडीशनल सेंटेंस की जब भी हम बात करेंगे, जो भी उसके इंपॉर्टेंट रूल हैं पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। तो ये आपको हमने बता दिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है कंडीशनल में फ्यूचर कंडीशनल। ठीक है, आइए उसके रूल को हम देख लेते हैं, फ्यूचर कंडीशनल क्या होता है हमारा। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, इफ़ यू विल स्टडी यू विल पास। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लिया फ्यूचर का सेंटेंस लिया है, यहाँ पे देखो हमारा इफ़ आया है, यू आया है, बिल आया है, फिर स्टडी आया, फिर यू विल पास।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो विल आए, पहले सेंटेंस में इफ़ यू विल स्टडी यू विल पास, तो इसमें कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, ये सेंटेंस फ्यूचर का है। लेकिन अब इसमें गड़बड़ी क्या है या क्या दिक्कत है, किसी भी एक ही सेंटेंस की जब भी बात की जाएगी, जब भी फ्यूचर कंडीशनल की बात होगी या कोई भी सेंटेंस होगा फ्यूचर का, उसमें एक साथ दो विल नहीं आ सकते। ठीक है, कभी भी फ्यूचर में एक फ्यूचर के सेंटेंस में दो विल का यूज एक सेंटेंस में नहीं हो सकता या नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहला रूल हमारा निकल के आया है, एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर के वर्ड नहीं हो सकते, यानी दो फ्यूचर के वर्ड का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा रूल हम देख लेते हैं कि सेकंड नंबर क्या था, जिस पार्ट में इफ होगा उसमें फ्यूचर वर्ड को हटा देंगे, मतलब जिस पार्ट में, देखो हमारा पहला पार्ट क्या है, इफ यू विल स्टडी, तो हमारा इफ वाले पार्ट में हमारा विल आया है, तो जो हमारा पहला विल है ये हमारा रिमूव हो जाएगा, यानी हमारा ये गलत, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, और सेकेंड वाला जो आया यू विल पास, वो हमारा राइट है, एकदम सही, उसको हम वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एक दो एग्जांपल और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इफ़ यू विल स्टडी यू विल पास, यानी कि देखो हमारा इफ़ के साथ बिल आया है इफ वाले पार्ट में, तो इस बिल को हम रिमूव कर देंगे, जो सेकेंड वाला बिल हमारा आया वो सही है, वो सेंटेंस हमारा राइट रहेगा। एक दो और देख लेते हैं, यू विल पास इफ यू विल स्टडी। अब देखो इस सेंटेंस में हम देख लेते हैं, आपको ये हो सकता है कि देखो हमारा ये इफ जो है पहले वाले पार्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे गलत है। देखो यू विल पास, आप पास हो सकते हैं, आप पास होंगे इफ यू विल स्टडी, यदि आप स्टडी करेंगे, यदि आप पढ़ाई करेंगे, तो जो हमारा इफ वाला पार्ट है वो सेकंड वाले पार्ट को कवर कर रहा है, हमारा सेकंड वाले पार्ट को कवर कर रहा, तो हमारा बिल यहाँ पीछे से रिमूव हो जाएगा। अब कहने का मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा, जिस पार्ट में हमारा इफ लगा होगा उसी पार्ट वाले बिल को, यानी उसी पार्ट वाले फ्यूचर के शब्द को हम निकाल देंगे, हटा देंगे, वो हमारा राइट नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं रूल, नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं हम लोग। अब आता हमारा नेक्स्ट, अगर इफ ना दिया हो। ठीक है, अगर इफ ना दिया हो, अभी आप लोगों को एक चीज और कम बता दिया जाता है कि अगर इफ ना दिया हो और कोई कंजक्शन लगा हो, मतलब कोई कंजक्शन लगा हो किस सेंटेंस में, और अगर इफ नहीं दिया है तो क्या होगा या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे देखो हम सेंटेंस देख लेते हैं आगे, यू कैन नॉट पास अनलेस यू विल स्टडी। अब देखो इस सेंटेंस में क्या हुआ है हमारा, अनलेस और अनटिल का जब यूज होगा या फिर और किसी का यूज होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तब भी हमारा रूल एकदम सेम वही चलेगा, क्योंकि देखो हमारा यू विल नॉट पास अनलेस यू विल स्टडी, तो हमारा जिस पार्ट में अनलेस या अनटिल लगा होगा उसी पार्ट में हम चेंज करेंगे, तो हमारा ये सेकेंड पार्ट में बिल नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको इस चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आइए एक रूल और है, इसको भी फिर से हम देख लेते हैं, इफ से, व्हेन से, अनलेस से या फिर अनटिल से सेंटेंस होगा तो फिर क्या होगा, ये इस चीज़ को हम सुन को, अब जैसे हमारा देखो इफ अनटिल आया, यहाँ पे इफ भी आ सकता है, यहाँ पे हमारा व्हेन भी आ सकता है, यहाँ पे अनलेस भी आ सकता है, यानी कि कहने का सेंस क्या है हमारा, चाहे इफ आएगा, चाहे अनलेस आएगा, चाहे अनटिल आएगा, चाहे व्हेन आएगा, अगर उसके साथ फ्यूचर का वर्ड लगा और उस सेंटेंस में दो फ्यूचर के वर्ड हैं, तो जो इफ के साथ लगे होंगे या व्हेन के साथ लगे होंगे उनको हम रिमूव कर देंगे। कहने का सेंस ये है कि इफ, व्हेन, अनलेस और अनटिल के साथ जो भी फ्यूचर का वर्ड लगा होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट जो है जो इम्पोर्टेंट रूल्स है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है लेकिन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा और आपको ये अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा बार बार चीज़ों को देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, एक अनलेस का और अन्य रूल आता है उसको भी हम देख लेते हैं, अनलेस अनटिल के साथ डू नॉट डज नॉट नहीं लगता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अनलेस के साथ और अनटिल के साथ, ठीक है, अनलेस और अनटिल के साथ हमारा डू नॉट और डज नॉट का यूज नहीं किया जाता, यानी अनलेस अनटिल के साथ डज नॉट और डू नॉट नहीं लगता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के सेंटेंस में दिया होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नीचे, यू कैन नॉट गो इनसाइड अनलेस यू बाय टिकट्स। अब ये सेंटेंस हमारा सही है, देखो यहाँ पे कहीं पे आया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट आया, ओनली नॉट की बात नहीं हो रही, अगर डू नॉट होगा और डज नॉट होगा तभी ये नहीं लगेगा, अगर नॉट आएगा तो हमारा सेंटेंस सही होगा। इस कन्फ्यूजन को देखते हुए हमने देखो एक सेंटेंस ले लिया, इसलिए आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यू विल नॉट पास अनलेस ही डज नॉट वर्क्स हार्ड। अब देखो यहाँ पे हमारा डज नॉट आया है तो हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ एकदम क्लियर हो गई होंगी, ज़्यादा चीज़ें बताने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं,
अब आपका जो सेंटेंस बात हो रही थी कैसे आता है हैड प्लस वी थ्री या उड हैड प्लस वी थ्री, उस सेंटेंस को लेके हम एक बार और एक चीज़ क्लियर कर देंगे। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ट। अब देखो हमारा क्या आया है, एक पार्ट में हम पास्ट कंडीशनल की बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में, ठीक है, पास्ट कंडीशनल की। फ्यूचर तो हमने आपको अच्छे से बता ही दिया, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का हमने कोई एग्जांपल नहीं लिया था तो उसको अब ले लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बताना जरूरी था जिससे आपको अब चीज़ें और बेहतरीन समझ में आएंगी। देखो इफ हमारा पहले पार्ट में दिया हुआ, हमने बताया है कि जिस पार्ट में क्या होगा हैड प्लस वी थ्री होगा वो होगा हमारे इफ वाले पार्ट में, यानी इफ वाले पार्ट में हमारा क्या होगा हैड प्लस वी थ्री। फिर से हम देख लेते हैं इसको कि इफ वाले पार्ट में इफ प्लस हैड प्लस वी थ्री होगा, ठीक है, इफ वाले पार्ट में चीज़ हमारी होगी। अब देखते हैं, इफ यू हैड स्टडीज यू वुड हैव पास्ट। अब देखो हमारा क्या आया पहले पार्ट में हैड प्लस वी थ्री, उसके बाद क्या आया वुड हैव प्लस वी थ्री, तो ये हमारा पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ये हमारा क्या है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है। अब आपको ये एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारा ये क्या है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है। अब आगे और देख लेते हैं, ठीक है, अब जैसे कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं, ही मेक्स एक्सीलेंट पर पोर्ट्रीज या फिर पोर्ट्रेट्रीज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, पोर्ट्रेट्रीज मीन्स होता है कोई किरदार निभा रहा है या दर्शाना है, विस्तृत वर्जन, ठीक है, मीन्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक अलग सेंटेंस है, अभी इसका यूज़ कहाँ पे उसको पीछे हम बताएंगे, ठीक है। और जैसे द डॉग बाइट हिम, ठीक है, तो अब इसका इसे कुछ जगहों पे हमको कन्फ्यूजन होता है कि इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा क्या, तो जैसे हम एक बार इसमें देख लेते हैं बाइट बिट और बिटन, तो बिटन हमारा थर्ड फॉर्म होता है, ये हमारा सेकेंड फॉर्म होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए हमारा बिट क्या होगा, तो यहाँ बाइट के प्लेस हमारा क्या लगेगा बिट, तो ये हमारा एक थोड़ा सा हटके चीज़ें हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। अब आता हमारा नेक्स्ट रूल, और ये पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, पूरा नोट्स आप अपने पास रखिएगा, आप जब भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं कहीं आपको कन्फ्यूजन होती है इससे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ों को हम देख लेते हैं क्या चीज़ें और अलग होती हैं। फ्यूचर के साथ पास्ट का यूज नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है ये इंपॉर्टेंट रूल हमारे लिए है कि फ्यूचर के साथ हमारा पास्ट का यूज नहीं होता है, यानी जब भी फ्यूचर सेंटेंस में कोई चीज़ फ्यूचर की दी हुई होगी तो उसके साथ जो है हमारा पास्ट का यूज नहीं होता, और दो बिल एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, सॉरी, और दो बिल हमारा एक साथ नहीं आ सकती, तो हमने आपको बता ही दिया दो बिल हमारा एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। अब बाकी अब कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं जिसमें हमको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि नॉक आउट, ठीक है, नॉक आउट मीन्स हमारा क्या होता है किसी को मार के गिरा देना, ठीक है, और नॉक अवे मीन्स होता है लगातार किसी चीज़ का लगाना या लड़ना, किसी लगातार किसी चीज़ पर लड़ना या किसी चीज़ पर बात करते रहना, ठीक है, और नॉक अप मीन्स होता है अभ्यास करना, ठीक है, और नॉक डाउन मीन्स होता है कोई बाहरी व्यक्ति को टक्कर मार के गिरा देना, किसी बाहरी व्यक्ति को टक्कर से हम दरवाजे टक्कर मारते हैं तो बिछड़ जाता है, वही चीज़ की कहने का सेंस है, ठीक है। अब आइए दो तीन एग्जांपल हम और इम्पॉर्टेंट जो हमारे हैं उनको भी बार ले लेते हैं, पहले और एग्जांपल एक और इम्पॉर्टेंट रूल है उसको कर लेते हैं उसके बाद। देखिए ये हमारा जो आता है व्हाई हाउ व्हाट व्हेन हु होम, इनके बाद हमेशा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आता है, ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आता है तो हमारा क्या होगा रॉन्ग होगा। व्हाई हाउ व्हाट व्हेन हु होम, इनके बाद या इनके साथ हमेशा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ जाता है तो हमारे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत पूछा जाता है पेपर में क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो हमारा इसको फिर से एक बार हम बता देते हैं आप लोगों को कि क्या होगा इन सेंटेंसेस के सॉरी इन वर्ड के साथ, यानी इन वर्ड के साथ या जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं इनके साथ हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं आगे। अब जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किसी पेपर में आए हुए हैं तो इनको भी अभी हम करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम जो इंपॉर्टेंट रूल है उनको पहले कवर कर लें। किसी भी लेवल के नीचे के लिए बिलो तथा ऊपर के लिए एबव का प्रयोग करते हैं, मान लो किसी भी लेवल की बात होगी, जब भी कहीं भी लेवल की बात की जाएगी, ठीक है, किसी के लेवल की बात होगी तो वहाँ क्या होगा लेवल के नीचे के लिए, जब भी लेवल के ऐसे वाटर का लेवल नीचे आ गया तो जब भी हम लेवल के नीचे की बात करेंगे तो वहाँ हम क्या करेंगे बिलो, और ऊपर की बात करेंगे तो एबव का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, दिस इज सेड टू बी अ जू ईयर ओल्ड टेम्पल। अब इसमें हमारा क्या होगा
200 ईयर्स ओल्ड, तो हमारा सब रॉन्ग है, हमारा क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, जो हमारा दिया हुआ है 200 ईयर ओल्ड हमारा राइट है, ठीक है। अब जैसे एक और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रूल है, एक के बाद किसी भी नाउन में यस नहीं लगता है। एक के कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारा क्या दिया हुआ है, एक ए का सेंस हमारे यहाँ पे ईयर है, ठीक है, हम इसको अच्छे से लिख देते हैं ईयर, ठीक है। ईयर के बाद किसी भी नाउन में यस नहीं लगता, हमारा ईयर ही आता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल और अच्छे से हम देख लेते हैं, द कंग्रेचुलेटेड मी माई विक्ट्री इन द डिबेट और इन कंपटीशन, यानी कंपटीशन में क्या हुआ कि हमारे जो डिबेट हुआ उस पर क्या हुआ, फॉर, देखो यहाँ पे दिया हुआ फॉर ना होकर हमारा क्या होगा, ऑन होगा। और एक चीज़ और आप ध्यान लीजिएगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन होता है, हमेशा कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन होता है हमारा, ठीक है, फॉर नहीं होता। किसी को बधाई देने के लिए ऑन का यूज़ किया जाता है, ना कि फॉर का। अब देखिए, अब इसमें हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है, हमने वो लिया है क्या कहते हैं आपका एग्जाम्पल, और इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें और अच्छे से हो सकती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्योंकि देखो जो हमारा फ्यूचर का था वो पूरा हमारा रूल्स इंपॉर्टेंट जो थे वो हो चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके और चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो हमारा क्या होता है कि टू कम्बैक द पुलिस ट्रायल हार्ड, तो इसमें हमारा जो सेंटेंस राइट होगा, ही ट्राइड हार्ड टू कंटेक्ट द पुलिस। अब इसमें क्या होगा, वर्ब प्लस एडवर्ब आता है, ठीक है, वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब आता है, ठीक है, पहले वर्ब आता है फिर एडवर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है, पहले क्या करते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं फिर एडवर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कोई वर्ब दिया होगा फिर उसका एडवर्ब यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सिंस और फॉर की चर्चा कर लेते हैं। देखो जब भी कहीं सेंटेंस में फॉर प्लस टाइम आएगा, ठीक है, तो उसके साथ हमारा हैड, इसके साथ हमारा क्या है, हैड, हैव, सिंस प्लस टाइम के साथ आईएनजी, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो हमारा क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। अब जैसे इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, आवर कंट्री सिंस द इंग्लिश केम, अच्छा यहाँ द इंग्लिश का मतलब है ब्रिटिश लोग, सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पर हमारा इंग्लिश लोग की बात हो रही, ठीक है, यानी अंग्रेजों की बात हो रही। अब देखते हैं हम यहाँ पे, ही अब हैज़ बीन फाइटिंग फॉर फ्रीडम, आवर कंट्री में जो भी ये फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ हैड बीन फाइटिंग फॉर, कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पर हमारा जीरेंड, यानी फाइटिंग, फाइट प्लस आईएनजी आया है, मतलब फाइट के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, ठीक है। देखिए एक दो इंपॉर्टेंट रूल और बचे हुए हैं आपके, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो हमारा दिया हुआ है, एज इट वॉज रेनिंग, एट इट वॉज रेनिंग आई डिसाइडेड टू टेक शेल्टर, शेल्टर मीन्स होता है छाया, किसी की छाया में रुकना। तो देखो हमारा सिंस एज से जब सेंटेंस शुरू होते हैं, यानी सिंस और एज से जब भी हमारे सेंटेंस शुरू होंगे, चूंकि का सेंस होता है और क्योंकि का सेंस होता है, जब भी सिंस और एज से हमारे सेंटेंस स्टार्ट होंगे और चूंकि का सेंस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखो हमारा क्या है, वाज, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हमारा सिंस और एज का यूज होगा और जब सेंटेंस सिंस या एज से शुरू होगा और चूंकि का सेंस होगा, क्या होगा, चूंकि का सेंस होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो देखो हमारा क्या है, इट एज इट वाज रेनिंग आई डिसाइड टू टेक द शेल्टर, मैंने क्या डिसाइड किया कि मुझे छाया लेनी चाहिए, मुझे अब पास्ट की बात भी यहाँ पे हो रही, तो हमारा सिंपल से क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, यानी वाज रेनिंग होगा। अब आइए एक दो रूल और हमारे बच्चे को, उनको भी हम देख लेते हैं, आल्दोज के साथ यट लगेगा, यानी आल्दोज के साथ हमारा हमेशा यट लगता है, ठीक है, आल्दोज के साथ हमारा हमेशा यट लगता है। इसमें एक पार्ट में पॉजिटिव और एक पार्ट में नेगेटिव सेंस होता है, ठीक है, एक पार्ट में हमारा पॉजिटिव सेंस निकल के आता है और एक पार्ट में हमारा नेगेटिव निकल के आता है, ठीक है। क्या कह रहा है, आल्दोज के साथ हमारा हमेशा यट लगता है, ठीक है, आल्दोज के साथ हमारा हमेशा यट लगता है, और इसमें एक पार्ट पॉजिटिव में होगा और एक पार्ट नेगेटिव में होगा। जैसे यहाँ पे एक हम एग्जांपल पहले देख लेते हैं, यू हैव केम हियर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंसल्ट ना होकर के हमारा इंसल्टिंग मी, पहला वाला जो एग्जांपल था हमारा इंसल्टिंग हो जाएगा, इंसल्टिंग मी, ठीक है, टू इंसल्टिंग मी, बाकी सब दिया ही हुआ है इसमें, ठीक है। और इसका हम एक और चीज़ समझ लेते हैं, जैसे टू इंसल्टिंग मी मीन्स होता है किस, इस नज़रिए से, ठीक है, और ऑफ इंसल्टिंग मी मीन्स होता है आदि होना, ठीक है, फॉर इंसल्टिंग मी मीन्स होता है वाकिफ हो जाना, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों का सेंस अलग अलग होता है, अब बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। टू इंसल्टिंग मीन्स इस नज़रिए से, ऑफ इंसल्टिंग मी आदि होना, और फॉर इंसल्टिंग मीन्स वाकिफ हो जाना, ठीक है।
और कुछ फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। आइए उस फ्रेजेस की भी चर्चा हम इसमें कर लेते हैं। विथ अ व्यू टू, ठीक है, कुछ फ्रेज विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, एक्यूज टू, हैबिटुअल टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद जीरंड आता है, यानी आईएनजी आता है। इन सेंटेंसेस के बाद, इस फ्रेजेस के बाद हमारा हमेशा जीरंड आता है, आईएनजी आता है। ये रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हर एग्जाम में, खासकर हर एग्जाम में पूछा जाता है कि विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, एक्यूज टू, हैबिटुअल टू, फार फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हमारा क्या आता है, जीरंड आता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका पार्ट टू जो है आपको कल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रही है तो इसको जितने भी आपके डिफेंस के तैयारी करने वाले आपके दोस्त भाई बहन जो भी हैं, और आपके जितने भी डिफेंस की तैयारी करने वाले या इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उनके पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितना आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा और उतना अच्छी चीज़ें हम आपके लिए लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।